पहले जी शाइना जी, 2019 में भी परमिंदर जी अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि अगर एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तो संविधान खत्म कर देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। 2024 में फिर आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इनको कहूंगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन इनकी नैया तो डूब चुकी है। ये संविधान को लेके बार बार जो टिप्पणी करते हैं, आपको पता है 106 बार संविधान में परिवर्तन यानी कि अमेंडमेंट आया, हाँ उसमें ठीक से है। 80 बार कांग्रेस के शासनकाल में, जब भारतीय जनता पार्टी ने अमेंडमेंट और किया आप तो संविधान कौन से बदलेंगे, मुद्दे पे? आपके ट्रिपल मेंबर ऑफ तलाक, पार्लियामेंट एक ने बोला मिनट, संविधान बदल देंगे, ट्रिपल आप तलाक, 400 के नारी बाद संविधान बदलोगे? शक्तिमान, एब्रोगेशन ऑफ 370, आपके नेता ने बोला संविधान बदल देंगे, ऐसे नहीं, सक्रिय लेकिन मुद्दे अगर आपके अमेंडमेंट नेता होंगे ने बोला अजय जी, संविधान बदल देंगे। अजय जी एक मिनट, आ रहा हूँ सूर्य जी, किसी की एक मिनट बात, बस, मुझे अजय मेरा जी पॉइंट एक खत्म मिनट, एक मिनट, करने, मैं आप बाबा खत्म करिए। साहेब हाँ अंबेडकर जी को कोई एक मिनट, खतरा नहीं, देश में नहीं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है तो वो भारत पूरी का है, बस बस और के भेजिए, एक मिनट एक भेजिए मिनट, पूरी बस भर के भेजिए। आप अपने बात करें ना, मैं सवाल कर रहा हूँ। सूर्य जी कुछ कह रहे हैं, फिर परमिंदर जी आप तुरंत देखिए, मौका दे अभी रहा ये हूँ। संविधान संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, 30 सेकंड। हाँ 42वां संविधान संशोधन जिसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा, जिसमें कि देश के संविधान का प्रियम्बल ही बदल दिया, जो कि संविधान सम्मान है, जो शब्द नहीं ऐड किए थे वो इन्होंने कर दिए। एक बात और, इन्होंने शेर मारा, उसके ऊपर मैं एक बात बताना चाहता हूं। अच्छा, शेर शेर और जिनके शायरी बड़ी हो पैरों रही के नीचे जमीन नहीं, अरे कमाल ये है कि उनको यकीन नहीं, जिनको किस एक किस कर की के जुबा बात ये नहीं काटने पता, जाऊं तेरी अच्छा खातिर, ठीक है, कितनी अच्छा सुनिए, पीसिंग पीसिंग किस किस की जुबा काटने जाऊं तेरी वो यहां बैठकर किस किस की जुबाई में तेरा हाथ नहीं है, छोड़िए, अच्छा सुनिए, जुबाई में तेरा हाथ नहीं है, महिला सुरक्षा पसीना गुलाब था। अच्छा लड़िए मत, लड़िए मत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सूर्या सूर्या मैथिल जी और सूर्या मैथिल जी और अजय जी एक मिनट, परमिंदर जी नारे नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं, अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए परमिंदर जी, एक मिनट नारे मत लगाइए, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। परमिंदर जी मैं एक छोटा सवाल करूंगा बस, अगर आपको विकास मॉडल की इतनी तारीफ करनी थी जहां अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में जाते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो कांग्रेस के साथ आना पड़ा? ये जनता का से सवाल आया था। मैं समझता हूं कि आप मुझे पूरा समय देंगे ताकि बिल्कुल मैं आपको नहीं बोलिए, टोकूंगा, आप बोलिए। ठीक है, हाँ। पहली बात तो ये है कि ये पूरी जनता नहीं है, ये आप पार्टी ऑफिसर जो देख लीजिए, देखिए परमिंदर जी, मैं एक मिनट एक मिनट, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट मुझसे, अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी सुनिए, मुझसे पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, अगर ये जनता मेरी बात सुन, एक अगर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए, अगर एक मिनट भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 मिनट मुझसे बोला है कि बस भरा के आइए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तो आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, जो विधानसभा में आपको वोट मिले वो आपके वोट नहीं थे, ये महिलाओं को कुत्तों से कटवाए तो जनता कुछ ना कहे, एक मिनट एक मिनट, अरे पूरे डिबेट आप मुझे बोलिए ना, आप मुझसे बात करिए, आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप मुझसे बात करिए, सूर्या मैथिल जी एक मिनट, आप इधर बात करिए, परमिंदर जी आप उनसे बात करेंगे तो आप मेरी बात मुझसे बात करिए, जवाब दीजिए आप, हाँ मैं जनता के पास आ रहा हूँ, इसके बाद बोलिए, पास करिए माइक, मैं एक मिनट एक मिनट रुकिए, हाँ बोलिए, मैं ये कह रहा हूँ जिस दिल्ली की जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत देके आम आदमी की सरकार बनाई, दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, ये पार्टी ऑफिस से आप नहीं, मजबूरी क्या रही आप ये बताइए, मजबूरी क्या रही जनता, अच्छा नहीं है जनता, नहीं है दिल्ली की जनता, नहीं है पार्टी ऑफिस से आई, लेकिन आपकी मजबूरी क्या रही? दूसरा की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जब संविधान की हत्या होती है आपके साथ ही, मुझे जवाब नहीं मिला परमिंदर जी कि आपने गठबंधन क्यों किया, क्या मजबूरी रही? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सूर्या जी इधर उधर मत करिए, मैं एक बार जनता के पास जा रहा हूँ, पूछिए, मैं सुनिए, बीच में मत टोकिए, एक मिनट और आइए भाई साहब, क्या नाम है आप? मेरा नाम कुणाल सैनी है, मेरा सवाल कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से है। 26/11 का हमला सबको याद था, आज जो मेरा सवाल है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से खासकर है, जब 26/11 का हमला हुआ था तो पूरा देश एक सवाल पूछ रहा था, क्या हम जवाब नहीं दे सकते? वो मोदी जी ने जवाब देके दिखाया, जब पुलवामा का हमला हुआ वो मोदी जी ने जवाब देके दिखाया, और भारत और लोग आगे आइए, आगे आइए, क्या नाम है मैडम आपका? आ रहा हूँ, वंदना वर्मा है, क्या क्या बोलना चाहते हैं आप? बस यही महिलाओं के बारे में ही बोलना चाहती हूँ, उनकी सुरक्षा के लिए ही बोलना चाह रही हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ मोदी से ही मिल सकती है हमें,
क्योंकि हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। ठीक है, ये इन्होंने बात कही, लेकिन एक मिनट थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, आप बात पूरी हो जाने दीजिए, कोई नहीं टोकेगा, इसके बाद में शाइना जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जब देश के अंदर संविधान की हत्या होती है और ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई को यूज करके अब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है और ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है, उसको खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस होता है संविधान की रक्षा करने के लिए। परमिंदर जी देखिए, मैं बात के लिए आप मुझे बेहतर जानते हैं और मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता। एक मिनट, आप टोकिए मत, एक मिनट, अगर आपके पास माइक आएगा तब बोलिएगा आप। शाइना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। परमिंदर जी, आप मुझे जानते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको पता है, एक मिनट आ रहा हूँ ना मैं, फिर बोलिएगा। ये लिखा गेट स्कैम था क्या? हाँ। जो 380 करोड़ का मनी ट्रेल पता चलता है, लिकर लाइसेंसेस छोड़िए, पॉलिसी बदल देते। अच्छा, ये तो कोर्ट ने कहा, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये भ्रष्ट आदमी पार्टी, पास करिए माइक, पास करिए। इतने पैसे रिकवर हुए, मुझे बताइए ना, अभी अभी ट्रायल में, अगर रिकवर हो जाएंगे पैसे, अच्छा सुनिए, अगर रिकवर हो जाएंगे, शाइना जी कह रही है जो बात, अगर रिकवर हो गए तो आप मान लेंगे घोटाला? नहीं, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, इसकी बात नहीं, तो मैं वो कह रहा हूं ना, ये चुनावों के साथ टाइमिंग के हिसाब से, वही तो कह रहा हूँ। अलग अलग परमिंदर जी, क्या ईडी को देखकर चुनाव पता मोदी के पास तो जाती नहीं, अच्छा ललित मोदी के पास तो जाती नहीं। एक मिनट, अरविंद केजरीवाल की एक विशेषता है, हमेशा विक्टिम, मेरे साथ अन्याय हुआ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, देखिए मेरे साथ क्या करें, देखिए मोदी जी क्या। अजय जी, अरे मोदी जी सबसे ईमानदार नेता है पूरे देश में, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी इसी रामलीला मैदान में दिल्ली में आए थे और आपके ही नेता पर आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का। मेरे सामने जितने भी लोग खड़े हैं भाजपा के पार्टी कार्यकर्ता, मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक सेकंड, कार्यकर्ता नहीं पब्लिक है। ऐसा मत करिए अजय जी, वोटर का बहुत अच्छा जिस प्रकार से अगर आप ऐसा, एक मिनट अजय जी, कोई बात नहीं, सुनिए, लोग वोटर हैं, कोई भी है, वोटर तो है, सबको अधिकार है। हाँ। मैं इनका सम्मान करता हूँ, आ रहा हूँ, जितने भी खड़े हैं मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, मैंने कोई ऐसे शब्दों का विरोध नहीं किया। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार के लिए कहा था 31 लाख करोड़ का घोटालेबाज, अगले दिन गोद में बिठा लिया। तो ये आपके साथ भी यही हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे, अपनी वॉशिंग मशीन में डाला और साफ कर दिया, अजीत पवार को साफ कर दिया, अजीत पवार को बेदाग कर दिया, बेदाग कर दिया। ठीक है, एक मिनट, मैं जनता के बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचारी कहते हैं इनको। हाँ, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, सूर्या जी जवाब लूंगा, पीछे हटिए, एक मिनट, ये बताइए, हिंट दीजिए, किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या इंडिया अलायंस की? बीजेपी की। क्यों बनेगी? एक मिनट, सर, डेवलपमेंट पे, और उन्होंने नारियों का क्या कहते हैं सम्मान किया है, इसलिए मैं कांग्रेस। एक मिनट, सवाल भी लूंगा मैं, भैया किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है भैया, एक हिंट दीजिए, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्यों बनेगी, कैसा क्यों लगता है आपको? सर, एक आप देखिए कि जो सामने जो ऑपोजिशन है, आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट पिलर कोई ढूंढ पा रहे हैं? अच्छा, आप बीजेपी में देखिए और आप कांग्रेस में देखिए या आम आदमी पार्टी में देखिए, आपको बीजेपी में एक कॉन्क्रीट पिलर दिखेगा। अच्छा। एक काम करने वाली टीम दिखेगी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री जीतेंगे, फिर अमित शाह को बना देंगे, इसके बाद योगी जी को हटा देंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, किसी को तो बनाना है, आप ऐसे बंदे को बनाएं जो काम कर सकता है, देश को आगे ले जा सकता है, देश को ताकतवर बना सकता है, देश की सुरक्षा पे ध्यान दे सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं सर, नौजवान की बात, आजादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा झूठा और मक्कार नेता हुआ तो अरविंद केजरीवाल है।